देश भर में आज होली पर्व का भाईदूज मनाया जा रहा है। होली के बाद भाईदूज का त्यौहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में दो बार भाईदूज का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहनों के बीच स्नेह बंधन को सुदृढ़ करता है। होली भाईदूज के दिन बहन से तिलक करवाने पर भाई की जीवन निष्कंटक होता है। होली के अगले दिन देश के कुछ हिस्सों में भाईदूज मनाने की परंपरा है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाईदूज का त्यौहार मनाया जाता है। जानते हैं इस साल होली भाईदूज की कथा और महत्व। होली भाईदूज की तिथि इस बार 26 मार्च को दोपहर 2:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 मार्च को शाम 5:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार होली भाईदूज 27 मार्च को ही मनाई जाएगी। पहला मुहूर्त सुबह 10:54 से दोपहर 12:27 तक। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:31 से शाम 5:04 तक। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाईदूज के दिन बहनों द्वारा अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन बहनें भूखे प्यासे रहकर अपने भाइयों के लिए दिन भर व्रत रखती हैं और उनकी मंगल कामना के लिए तपस्या करती हैं। यह त्यौहार दिन के समय मनाया जाता है। इस दिन बहनें पूजा की विधिवत थाल सजाकर अपने भाइयों के सामने बैठती हैं, उनके माथे पर तिलक लगाती हैं और फिर भाई की आरती उतारती हैं। ऐसा करने के बाद ही बहनें भोजन ग्रहण करती हैं।